तो रविंद्र सिंह भाटी, ये नाम और इस नाम की कहानी सुनकर हर किसी के मन में सवाल उठना वाजिब है कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ ऐसा कौन सा सिस्टम काम करता है जहां वो जाते हैं हीरो बन जाते हैं। बाड़मेर के विधायक हैं, सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन गुजरात हो या हैदराबाद, भीड़ ऐसी जुटती है मानो सालों से वहीं की राजनीति करते चले आए हों। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं रविंद्र सिंह भाटी के यहाँ तक पहुँचने की कहानी क्या है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पिछले साल अक्टूबर महीने की हैं, जब पूरे तामझाम के साथ युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी में शामिल किया गया था। चर्चा तो यहां तक थी कि बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा सीट से उतार सकती है। हालांकि भाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन हुआ ये कि सरदारपुरा तो क्या, रविंद्र भाटी को बीजेपी ने शिव विधानसभा सीट से भी टिकट नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि रविंद्र भाटी ने बीजेपी से बगावत कर दी और फिर निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वो मैदान में उतर गए। 26 साल के रविंद्र भाटी विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। सब वहाँ पे एक डीएनपी एरिया है जहाँ के 80 गांवों में आज तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पक्ष भी आया विपक्ष भी आया, पर हमारे उन लोगों को कभी टावर तक नहीं दिया गया। शिक्षा और चिकित्सा रही तो बात ही छोड़ दो, अगर कहना बुखार आवे तो 100 किलोमीटर पहले कोई हाथ जालन वालों को नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं था, रविंद्र भाटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। छात्र संघ चुनाव में जब एबीवीपी ने उन्हें नहीं चुना तो रविंद्र भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर पड़े और फिर यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले वो पहले छात्र नेता बने। यानी पहले निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता, फिर निर्दलीय विधायक बने और इसके बाद रविंद्र भाटी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। आप रो टाबर चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो और आप री ये लाखों री संख्या में ना आयोड़े ये जनसलाब तय कर दियो है कि आउन वाली 26 तारीख रा बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा री जनता एक नयो इतिहास लिखन वाली है। रविंद्र भाटी बाड़मेर की गलियों से होते हुए जयपुर और दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा का चेहरा बन गए। भाटी ने बाड़मेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आगामी 4 तारीख रो आप रो भाई रविंदर, आप सब छत्तीसगढ़ कौम की जनभावना न देखते हुए रविंद्र भाटी ने नामांकन के लिए लोगों का आह्वान किया था और तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि भाटी जिस दिन बाड़मेर सीट के लिए नामांकन भर रहे थे उस दिन शहर में पैर रखने की जगह नहीं बची थी। रविंद्र भाटी ने 1,00,000 लोगों की भीड़ के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था। रविंद्र भाटी के नाम का सियासी कांटा बीजेपी को जरूर चुभ रहा होगा, क्योंकि सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतार रखा है। मैंने कहा ना चुनाव है और चुनाव के अंदर किसी को भी कमजोर नहीं आका जा सकता। चुनाव के अंदर जनता जिसके साथ होती है, जनता जनार्दन है और मुझे पिछली बार भी जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया।